Hey everyone, welcome back to the channel. This is Shubhan. I hope you guys are doing absolutely fine. So guys, अभी एक न्यूज मैंने पढ़ी है जस्ट रिगार्डिंग रेलवे, जो कि है कि रेलवे ने 355 पैसेंजर ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है, और उसमें से मुजफ्फरनगर की करीब 3 ट्रेनों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें से है पहली है 54304 कालका दिल्ली पैसेंजर, दूसरी है 54471 और 72 दिल्ली ऋषिकेश और ऋषिकेश दिल्ली पैसेंजर, और तीसरी है दिल्ली अम्बाला अम्बाला दिल्ली कैंट, यानी कि 64561 और 64562 पैसेंजर ट्रेन। ये तीनों ट्रेनों को रेलवे ने मेल एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। सीधा सीधा सा मतलब ये है कि अब ये इन ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि ट्रेनों के स्टॉपेज के साथ साथ उनकी कम होंगे और उनकी स्पीड बढ़ेगी, यानी कि जो बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते थे अब उन पर ये ट्रेनें नहीं रुकेंगी। अभी ये मैंने जो न्यूज़ पढ़ी है वो न्यूज़ स्टेशन के ऑफिशियल पेज पर पढ़ी है, जिसमें रेलवे इसमें एक लिस्ट आई है ऑफिशियल रेलवे की तरफ से। अब देखते हैं कि नए टाइम टेबल में क्या होता है, या ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल के तहत इसको बनाया गया है, और क्योंकि पैसेंजर ट्रेनों की रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर एवरेज होते हैं, तो इसलिए उनको कन्वर्ट किया गया है मेल एक्सप्रेस ट्रेन में। अब देखते हैं कि नया टाइम टेबल क्या आता है, कब से ये जो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को कन्वर्ट करने का फैसला लिया है वो कब से लागू होता है। कनेक्टेड रहिए और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा इसी बारे में। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। थैंक यू एवरीवन, बाय।